लुधियाना के डीसी दफ्तर के बाहर अपनी मांगों को लेकर अध्यापकों की तरफ से जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर गुस्साए अध्यापकों ने आर्थिक फूक प्रदर्शन करते हुए मौजूदा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की, साथ ही वायदा खिलाफी का आरोप लगाते हुए चेतावनियां भी दी। गुस्साए अध्यापकों का क्या कुछ कहना रहा, आइए आपको भी सुनाते हैं। आज असीं डेमोक्रेटिक टीचर फ्रंट पंजाब दे सद्दे ते जिला इकाई लुधियाना वालों सिक्ख्या मंत्री पंजाब दी इत्थे आरती साड़ी आ, पंजाब दा सिक्ख्या मंत्री जिहड़ा जत्थेबंदी दे नाल लगातार मीटिंग दा समां दिंदा, पहले हफ्ते मई दे मीटिंग दा समां दित्ता, दूजे हफ्ते दित्ता, पर वादा करके भज गया, जिहदी करके जत्थेबंदी ने मजबूर हो के अज सिक्ख्या मंत्री पंजाब दियां पूरे पंजाब दे जिला हैडक्वार्टर ते आरतियां साड़ियां ने। मंगा मसले साडे वीर जी तुहानूं पहलां भी असीं दस चुके हां, मंग पत्र असीं पेश कीते आ, कच्चे अध्यापक साढ़े पक्के नहीं होए, साडा कोई तनखाह कमीशन दा देखो तुसीं, इह जदों जी करदा 2 महीने वधाता पत्र जारी करके, 2 महीने करता 3 महीने वधाता, मर्जी दे मालका कर रहे आ, कोई DA दी कैश्त जारी नहीं हुई, कोई तनखाह कमीशन दी रिपोर्ट जारी नहीं हुई। होर तां होर इत्थे गल्लां कीतियां जा रहियां कि बड़ा असीं फिर ढंग नाल जिहड़ियां बदलियां कर रहे हां, अज पंजाब दे लगभग 5-6 हज़ार अध्यापक जिहड़ियां बदलियां मार्च 2021 दियां होईयां होईयां उन्हां नूं लागू नहीं किया जा रहा, लगभग अद्धी दर्जन बार सिक्ख्या सकत्तर पंजाब ने पत्र जारी करके बदलियां दी जिहड़ी तरीक अगे पा दिंदे आ। क्यों बई, तुसीं तां कह रहे हो पंजाब दे मुख्यमंत्री ने बदलियां बटन दबा के जिहड़ा हैगा ऑनलाइन बदलियां कीतियां ने, फिर उन्हां दे विच की घाटा की कमी आ, इहदा मतलब है सारा कुछ पखंड आ तुहाडा, इहदे विच घाटा ने कमियां ने, इहदे विच सिफारशां चलियां ने, इस कारण जिहड़े लोग ने वो अर्जियां दे रहे हैं कोर्टां दे विच ते बदलियां ठप्प पईयां ने, लोग आ जिहड़े वो परेशान हो रहे आ, इह साडे मंगां मसले आ। कच्चे अध्यापक पक्के नहीं कीते, तनखाह कमीशन दी रिपोर्ट जारी नहीं कीती, जिहड़ा कोविड दे दौरान देखो किसे भी साडे अध्यापक भैण भरा नूं किन्ने, साडे 40 दे करीब अध्यापक ने जिहड़े उहनां नूं जाना तों हाथ धोणा पिया वा, किसे नूं मुआवजा मिलिया, किसे नूं नहीं मिलिया, कोई प्रबंध वधिया कीता। देखो एक पासे तां सरकार आ जिहड़ी ਉਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਆ, ਕੋਵਿਡ ਫੈਲ ਜੂਗਾ, ਲੋਕ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਦਾਖਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਿਆ ਪਖੰਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪਸ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਫੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਤੀਆਂ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ, ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਡੈਸਕ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਨਹਿਤ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼।